गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास फिफ्थ मैथ का चैप्टर फाइव ओलंपियाड बुक से एंगल्स डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या होता है। देखिए, इसके अंदर जो जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रीडिंग ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हमें पैरेलल पढ़ना है, परपेंडिकुलर पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ना है, एंगल्स के टाइप पढ़ने हैं, मेजरमेंट पढ़ने हैं, रीडिंग ऑफ एन एंगल पढ़ने और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पढ़ने हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल। देखिए, जो पैरेलल है वो क्या होता है, जब जो लाइंस हैं, टू लाइंस हैं बेसिकली। देखिए, लाइन क्या होती है, पहले तो आप ऐसा समझिए, अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ए, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, कोई लाइन इस तक इनसे मिल गई आके, तो ये जो छोटी सी होगी ना, इसको बोलेंगे हम रे, आर ए वाई रे, और लेकिन अनलिमिटेड तक चली गई, इनफाइनाइट तक चली गई। इनफाइनाइट को हम ऐसे लिखते हैं, इनफाइनाइट मतलब लेटा हुआ आर्ट, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड हो, उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब वर्ड आता है पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब वो टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, कभी नहीं मिलेगी। लाइक रेल की दो पटरियां होती हैं, देखिए एक ऐसे चलती है और एक दूसरी भी इस तरह चलती रहती है, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर मान के चलिए मैं कैसे लाइन बना दूं, ये बिल्कुल, ये तीनों लाइनें एक दूसरे से आगे से कितना भी बढ़ जाएं, कभी एक दूसरे पर टक्कर नहीं मारेंगी। दैट्स वाई दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स लाइंस दैट नेवर मीट, लाइंस दैट नेवर मीट, जो लाइन कभी नहीं मिलती, दैट आर पैरेलल लाइंस। तो अगर वो मुझसे पूछता है कि ये मैंने एक लाइन बनाई है, लाइन ड्रॉ की है डायगनल, और एक मैंने नीचे से ऐसे ड्रॉ की है स्ट्रेट, तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? इन दोनों में बताइए, ये जो हमने लेफ्ट वाली है, कि क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? नो, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज आर बॉटम लाइन इट विल टच, इट विल इंटरसेक्ट, सो एट दिस पॉइंट the line will intersect, so that's why they are not parallel lines. Parallel lines will never intersect. So what is intersect? What are intersecting line? INTER, intersecting lines. So what are intersecting lines? The lines which are not parallel, so the line that may intersect. I am not saying that they will intersect. मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, लेकिन आने वाले पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ टक्कर मार देंगे ये दोनों, जिस पॉइंट पर हम टक्कर मारी, तो दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, जिस लाइन पर जाकर वो टकराई वो इंटरसेक्शन पॉइंट था। ठीक है, अब अगर इनका यही जो इंटरसेक्शन है बच्चों, ये वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल कैसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, सॉरी एक लाइन तो हमारी हॉरिजॉन्टल, मैं इसमें देखिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो ऐसे, और एक लाइन हमारी वर्टिकल हो जाए, तो जो ये वाला जो इंटरसेक्शन होता है, तो इनके बीच का जो बच्चों जो एंगल होता है, तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल। और इनका ये जो इंटरसेक्शन है, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स टी लाइक, जो टी की शेप में हो। आप कहेंगे टी कहाँ दिख रहा है, देखो अगर आप इसको लेटा देखो, उल्टा टी दिख रहा है आपको, ये तो परपेंडिकुलर मतलब टी लाइक, जो टी लाइक इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने पैरेलल पढ़ लिया, हम टॉपिक चैप्टर पर जाकर फिर देखते हैं। टॉपिक हम जो जो से पढ़ने थे, पैरेलल पढ़ लिया हमने, परपेंडिकुलर पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिया। पैरेलल जो लाइन कभी मैच नहीं करती, परपेंडिकुलर जो टी शेप बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन आके मैच कर जाएं, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी, जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो परपेंडिकुलर भी एक तरीके की इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब वो मुझसे पूछता है कि अच्छा, अगर ये जो फिगर है मतलब कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाए, देखिए एक तो ये परपेंडिकुलर है, बट क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ये भी परपेंडिकुलर होगा, डिपेंड करता है, यहाँ पे ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें
पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, जिसको आप बोलते हो सर्कल। तो एक सर्कल किसी पॉइंट के चारों तरफ जो सर्कल होता है यही होता है 360 डिग्री। डन। पहला कंप्लीट एंगल, सिंपल बिल्कुल, पूरा सर्कल जो होता है कंप्लीट एंगल। डन जी। उसके बाद दूसरा बनाइए, लिखिए बच्चों स्ट्रेट एंगल, सेकंड नंबर पे STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। इसी को इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस स्ट्रेट लाइन के हाफ जो एंगल होता है बच्चों, जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये वाला एंगल, मान के चलिए इसका सेंटर पॉइंट है, मैं राइट पेंसिल से सेंटर पॉइंट आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए इसका सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से अगर हमने कोई एंगल ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आकर इसका मैच हो गया ये वाला, तो ये जो एंगल होगा हाफ हाफ होगा स्ट्रेट एंगल। डन। 180 डिग्री, इन दोनों में लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट थी, सीधी थी। अब और अब हम तीन एंगल और डिस्कस करेंगे स्ट्रेट एंगल के बाद। अब देखिए बच्चों, एक हमारा होता है राइट एंगल, देखिए राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, जो हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही जवाब, ये जो परपेंडिकुलर एंगल है ये हमारा राइट एंगल है। जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका हाफ होता है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री उसका हाफ होता है राइट एंगल। और उसके बाद अगर ये हमारा जैसे राइट एंगल है और ये हमारा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाए, लेफ्ट की तरफ झुक जाए, चाहे वो इतना हो चाहे वो टिल्ट बहुत ही कम हो, स्ट्रेट से बिल्कुल हल्का सा कम है, हल्का सा कम है ना, चाहे वो टिल्ट बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल, तो उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक। और अगर यही टिल्ट बच्चों जो टिल्ट वाले झुकाव, और अगर ये जैसे टिल्ट है, और अगर ये टिल्ट हमारा जैसे ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट वाली जो लाइन है, एक सेकंड हो जाइए, अगर ये हमारी जो मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए इस पॉइंट से ये वाली जो लाइन है अगर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ला रहे हैं तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी क्रॉस लाइन अंदर की तरफ निकल रही है तो ये जो लाइन ये वाली लाइन इस नीचे वाले पॉइंट से जो एंगल बनाएगी तो ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। जो ये छोटा वाला एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा एक्यूट एंगल। चलिए ये बनेगा हमारा एक्यूट। लेकिन अगर इसी में सेम ये जो लाइन हमारी, अगर हम इसी लाइन को अपनी मेन लाइन के हम दूसरी साइड ले जाएं, ऐसे बाहर की तरफ ले जाएं, मतलब देखिए जैसे एक एंगल हमने ऐसे बनाया और ये कोने यहाँ इसका हमने इसके कोने वाले पार्ट को बोलते हैं वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स हमने बाहर की तरफ निकाला, बाहर की तरफ निकाला है। तो अब जो हमारा एंगल यहाँ पर बना ये वाला, अब ये बना हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, जब हाथ खुले हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 डिग्री। अब बच्चों देखिए, जब आपने लाइन बनाई है ऊपर, गौर से देखिएगा, लेकिन आप एंगल उसके पीछे बना रहे हैं, अंदर नहीं बना रहे। एक तो आपने ये बनाया ऐसे, ये जो निशान, ये वाला गोल सा निशान अंदर लगाया, तो अब आपको इसके इस तरह से देखना है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा एक्यूट अंदर वाला, ठीक है, क्योंकि छोटा है। लेकिन अभी आपने बाहर लगाया ना, तो बाहर जो एंगल लगता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 से ज्यादा और
200 सॉरी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जो 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम हो, 360 से कम हो यानी कि 180 से लेके 360 के बीच वाला वो नहीं। तो अब मैं आपको दोबारा से सारे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसको हमने बोला सर्कल, सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है 360 डिग्री। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट, स्ट्रेट हमने पढ़ा 180 डिग्री। फिर हमने पढ़ा एक्यूट, एक्यूट हमने पढ़ा 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 से कम, लेस देन 90, ठीक है। तो ये एक्यूट, उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्ट्यूस मोर देन 90 बट लेस देन 180, मोर देन 92 लेस देन 180, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, मोर देन 92 लेस देन 180, जो भी होगा जो 90 से लेके 180 के बीच में हो ऑप्टिक्स होता है। उसके बाद हमने पढ़ा 90, ये हमने पढ़ा था राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल जो कि हमारा होता है 90 डिग्री का। और फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल लास्ट, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारा जो 181 से लेके 359 डिग्री तक का होगा, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, जो 1 डिग्री से लेके 89 के बीच में आएगा वो कौन सा होगा बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में कौन सा आएगा, बिल्कुल एक्यूट, 90 राइट बिल्कुल ठीक है, 91 टू 179 ऑब्ट्यूस, 180 स्ट्रेट, 181 टू 359 रिफ्लेक्स, और 360 कंप्लीट। क्लियर, 1 डिग्री टू 89 एक्यूट, 90 राइट, 91 टू 179 ऑब्ट्यूस, 180 स्ट्रेट, 181 टू 359 रिफ्लेक्स, और 360 कंप्लीट। तो समझ गए, एक्यूट के डायग्राम कुछ इस तरह का, 90 का ये वाला, ऑब्ट्यूस का बाहर को, स्ट्रेट सीधा, रिफ्लेक्स में ये और ऐसे घूम जाता है पूरा, सॉरी रिफ्लेक्स में हमारा एक एंगल तो बना होगा लेकिन उसके अपोजिट ही घूमेगा ऐसे, और कंप्लीट है फुल सर्कल, डन। देखिए पहले छोटा सर्कल, फिर थोड़ा सा राइट में बिल्कुल स्ट्रेट हो गया सीधा, राइट में सीधा, ये राइट में सीधा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है राइट में स्ट्रेट, और ऑप्टिक्स में तीसरा सा, और ठीक है। चलिए इस तरह से हमें इनको नोट करना है। अब हमने सारे एंगल पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए, एक सेकंड चाहिए, क्वेश्चन नंबर वन देखिए, व्हेन इट इज 10:30, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, व्हेन इट इज 10:30 व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज शोन इन द गिवन क्लॉक। मतलब व्हेन इट इज 10:30, जब 10:30 हुए हैं, तो 10:30 हुए हैं तो 10 से आगे छोटी सुई बिल्कुल ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स। देखिए एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है, यहां से लेके ऐसे बना है और ये बना हुआ है। तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो लाइन है ये वाली, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहां बनता है, अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो प्रोट्रैक्टर से नाप लीजिए, वरना आप क्या कीजिए इसके साइड में रफली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए अगर स्ट्रेट है तो ये हाफ, इसका हाफ लगभग ऐसे होता, हाफ से ज्यादा है ये, हाफ लगभग यहाँ आता ना यहाँ पे। अगर हमारा, हमें पता करना हो कि कौन सा हमारा आंसर ठीक होगा, अगर जो हमारा सर्कल है जैसे ये 90 में ये सर्कल होता है, अगर ये हाफ से कम है, देखिए जैसे स्ट्रेट तो यहाँ होती, अगर ये हाफ से कम है ये जो सर्कल है तो ये एक्यूट होगा, और अगर ये हाफ को क्रॉस करके यहाँ आ गया ऐसे थी लाइन तो ये ऑब्ट्यूस होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये तो यहाँ पे जो इस सर्कल बनाई ये वाली, इस लाइन से अगर हम इसको बेस लें तो ये इसके हाफ से ज्यादा बना है, तो ये कौन सा एंगल है, बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट लेस देन 90, राइट 90 डिग्री, स्ट्रेट 180, और ऑब्ट्यूस मोर देन 90 और लेस देन 180। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू कहता है हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितने
ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, जो नीचे फिगर्स दी गई हैं उनमें से, फॉलोइंग माने नीचे फिगर्स जो दी गई हैं हैव पैरेलल लाइंस। हमने पढ़ी थी ना पैरेलल लाइंस, जो लाइन कभी नहीं मैच करती, सर्कल में तो कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं। और यहाँ पर देखिए, एक तो ये, अभी हम राइट टू लेफ्ट चलने की है, तो इसमें तो है पैरेलल लाइन, तो वन फिगर तो ये हो गई, इसमें तो ये रही और एक ये रही, टू फिगर हो गई। इसमें देखिए, इसमें ये वाली लाइन गई है इंटरसेक्ट कर गई, ये वाली लाइन गई है इंटरसेक्ट कर गई, ये वाली इंटरसेक्ट की, इसमें कोई पैरेलल लाइन नहीं है, स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे चली जाएगी सीधे सीधे दोनों, तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। ट्राइंगल में कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल देखिए हमने ऐसे बाहर निकाला, तो यहाँ टक्कर लग गई, इसको यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ वर्टेक्स बन गया, यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ वर्टेक्स बन गया। देखिए आप सोच रहे होंगे वर्टेक्स उसमें भी है, लेकिन इसमें वर्टेक्स बने कौन, वर्टेक्स तो यहाँ भी है, लेकिन इसमें देखो ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, तो ये भी तो स्ट्रेट चली जाएगी सीधी सीधी। लाइन आगे बढ़ाने पर कहीं कभी भी टक्कर ना मरे, लाइन आगे बढ़ने पर टक्कर ना लगे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर कितने पैरेलल है हमारी, थ्री फिगर्स ऐसी हैं जिनमें पैरेलल लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एट व्हाट टाइम गिवन बिलो डू द मिनट एंड आर एंड ऑफ अ क्लॉक मेक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट आने मैंने 180 डिग्री, बिल्कुल सीधी लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, चाहे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहे ऐसे वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 12 o'clock, दोनों ऐसी, डन, ये एक पॉइंट, बट इसमें तो सिर्फ एक ही एंड रह गया, 6, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ 12 होता है यहाँ 6 होता है। 5 में 12 ऊपर ये साइड में, 3 में ये ऐसे ही ऐसे, 3 में जो एंगल बना बच्चों वो कौन सा बना, वो तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल हमारा कौन से टाइम में हुआ, 6 o'clock में। 12 o'clock में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 12 o'clock तो हाफ ही रह गया ना, 12 o'clock तो सिर्फ एक ही साइड रह गई, एक साइड एंगल थोड़ी होता है, एंगल मीन्स टू साइड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी कितनी है, उनके वो भी पेयर बताने हैं। चलिए देखिए, एक तो ये हो गया जहां जहां टक्कर लग रही, एक तो ये हो गया वन, अब ये वाली लाइन मेरी आई, इसकी इस लाइन से टक्कर लगी यहाँ पे। इसका तरीका आप अगर चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर लाइन को एक एक नाम दे दो, ठीक है, हर पॉइंट को एक एक नाम दे दीजिए। चलिए मान के चलिए मैंने इस पॉइंट को नाम दिया ए लाइन, ए बी लाइन, ये मेरी जो लाइन हो गई सी डी लाइन हो गई, ठीक है, और ये मेरी ई एफ लाइन हो गई, और ये मेरी जी एस लाइन हो गई। तो मैंने कहा कि मेरी ए बी लाइन की टक्कर लगी पहले पेयर में, मेरी ए बी लाइन वाली की टक्कर लगी ई एफ वाली लाइन से, ए बी लाइन की टक्कर लगी मेरी ई एफ लाइन से। आप मैच कर पाएंगे, ये मेरी ए बी वाली लाइन है और इसकी मेरी ई एफ लाइन से टक्कर लगी यहाँ पे, ठीक, डन। दूसरी मैंने कहा मेरी, मैंने ए बी वाली लाइन तो मेरी खत्म हो गई काम, चलिए अब मैं सी डी वाली शुरू करता हूँ, सी डी लाइन की टक्कर लगी मेरी ई एफ से, मैच करके देखिए कहाँ पे ई एफ है, ये मेरी सी डी लाइन है, उसकी टक्कर लगी ई एफ से, जो ई एफ नीचे आ रही थी, डन। चलिए और मेरी सी डी लाइन की टक्कर किससे लगी, सी डी लाइन थी और सी डी लाइन की मेरी टक्कर लगी एच जी से या जी एच से, ये तो बात है, सी डी लाइन की टक्कर लगी मेरी जी एच से। अब मेरी अगर मैं बात करूँ ई एफ लाइन है, ई एफ लाइन की टक्कर लगी ए बी से, वो तो ऊपर आ गया, ई एफ लाइन की टक्कर लगी सी डी से, वो भी आ गया, लेकिन ई एफ लाइन की टक्कर लगी मेरी जी एच से, वो यहाँ आ गया। और देखिए कोई सी टक्कर, और देखिए इस फिगर में हमें और भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसका मतलब कितने पेयर हैं, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी एंगल्स इनसाइड माने अंदर द गिवन फिगर आर लेस देन ए राइट एंगल, इस फिगर के इनसाइड में कितने जो एंगल हैं वो लेस देन है राइट एंगल के, लेस देन है, राइट एंगल नहीं है, लेस देन है। देखिए राइट एंगल कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री, तो जो 90 से छोटा हो यानी कि 1 डिग्री से लेके 89 के बीच का हो, राइट एंगल खुद नहीं, राइट एंगल के इक्वल नहीं, खास उसने कहा राइट एंगल से लेस हो। चलिए देखिए यहाँ पर जो एंगल बना वो तो चौड़ा लग रहा है, तो ऑब्ट्यूस है, ये भी चौड़ा लग रहा है, ऑब्ट्यूस है, तो ये वाला देखिए यहाँ जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये भी काफ़ी चौड़ा लग रहा है, ये भी देख काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये भी
स्ट्रेट लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे राइट एंगल। ये ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये वाला देखिए ये बन जाएगा राइट एंगल, ये बन जाएगा ऑब्ट्यूस और ये बन जाएगा ऑब्ट्यूस, ये स्ट्रेट आ रही है ना, बिल्कुल दोनों लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर आ रही हैं, परपेंडिकुलर आ रही है, तो दोनों राइट एंगल। तो कोई भी एंगल यहाँ पर मुझे एक्यूट नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्यूट क्या होता है, जो 1 डिग्री से, एक्यूट कौन सा होता है, जो 1 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 पीपल ईच मेड अ स्टेटमेंट अबाउट गिवन फिगर। 4 पीपल्स ने, 4 PPUPIL, पीपल माने छात्र स्टूडेंट, पीपल माने स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट ने इस फिगर को देख के स्टेटमेंट बनाई। देखिए एक फिगर बनी हुई है, अब देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट बनाई। ज्योति क्या कहती है, ज्योति, ज्योति ने कहा आई कैन सी 6 pairs ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होता है, ऐसे टी बनाना, ऐसे टी, ऐसे टी, ऐसे टी, मतलब टी बनाना किसी भी शेप में, परपेंडिकुलर। तो ज्योति ने कहा आई कैन सी 6 pairs ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, कि मुझे 6 परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है। चलिए अब हम ज्योति की बात टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हमने एक बनाया, ऐसे ये लाइन आई और ये यहाँ पर मैच कर गई, पहला टी, मतलब टी चाहे वो हाफ भी हो चल जाएगा कोई बात नहीं बच्चों, और ये दूसरा टी, ये जिसमें जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। यहाँ देखिए, चलिए मैं आपको 90 डिग्री वाले एंगल से समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट दोनों लाइनें हैं, एक 90, ये दूसरा 90 और ये तीसरा 90, ये फोर्थ 90, और देखिए ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहा है, ये 90 और ये देखिए यहाँ पे कोना मिल रहा है 90। तो 1 2 3 4 5 6, 6 परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल ठीक है। तो ज्योति ने कहा आई कैन सी 6 pairs ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ट्रू, ठीक है। देर आर 7 angles इन द फिगर, फिर यहाँ से इस फिगर के अंदर 7 angles हैं, अगर हम चेक करें बच्चों तो 6 तो यही हो गए 90 वाले, और ये 7 8 9 9 angle हो गए, तो ये तो ज़्यादा हो गए। देर इज ओनली 1 pair ऑफ पैरेलल लाइन, कह रहा कि यहाँ पे केवल 1 pair ही पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन केवल 1 ही है। अगर हम देखें, देखिए एक तो ये लाइन ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन और ये इसके पैरेलल भी है, और ये देखिए ये दोनों कोने कोने वाली जिनको मैंने 4 डंडे मारे, ये भी तो पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो कभी टक्कर ना मारे, ये देखिए ये वाली ये छोटे वाली, ये दोनों तो ज़्यादा है, वो तो 1 की बात कर रहा है। 6 of the angles आर लेस देन राइट एंगल, कह रहा 6 angle राइट एंगल से लेस है। हमारे पास जो 6 angle है ना, 1 2 3 4 5 6 ये वाला देखिए, ये 1 ये 2 ये बच्चों 3 ये वाला 4 ये वाला 5 और ये वाला 6, ये 6 angle तो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर कौन सा एंगल बनाता है, राइट एंगल, तो ये हमारे राइट एंगल है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, 6 of the angles आर लेस देन राइट एंगल, नो। तो विच पीपल मेक्स द करेक्ट स्टेटमेंट, ज्योति, ठीक है। एक बार हम ज्योति का स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं, और मैं इसको आपको फिर से सिर्फ ज्योति का स्टेटमेंट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए परपेंडिकुलर, आप समझिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जहाँ पर टी जैसी शेप बन रही हो, जहाँ पर क्या बन रही हो, टी जैसी शेप, भले वो टी लेटा हुआ हो, ठीक है, बट दोनों लाइन एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी, ये एक तो ये बातें हैं अपने दिमाग में याद रखना। अब देखिए इसका मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ए बी सी डी नाम दे दीजिए, ए बी कुछ भी कहीं किसी पॉइंट पे, जहाँ पॉइंट कोने कोने हैं, डी ऐसे ई वाला पॉइंट हो गया, एफ वाला पॉइंट हो गया, जी वाला पॉइंट हो गया, ये एच वाला पॉइंट हो गया, ये आई वाला पॉइंट हो गया, जे वाला पॉइंट हो गया, डन। अब आपको जैसे मैं बोलूँगा ना ए बी, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ए से लेके शुरू करना है और बी पे खत्म करना है, ठीक। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूंगा मैं, एक वर्टिकल, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मैच करेगी, एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल लेटी और एक वर्टिकल बिल्कुल सीधी, जहाँ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मैच करेगी वही हमारा एक परपेंडिकुलर फिगर होगी, क्लियर। चलिए अब देखिए, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मिलाते रहना, बस आपको फिगर देखनी है और यस और नो करना है कि क्या वो परपेंडिकुलर है नहीं है। शुरू करें, एक सेकंड रुकिए, मैं नीचे लिखूंगा, मेरा जे मिट गया और बाकी मिटाने के चक्कर में ये, चलिए मैं जे भी लिख देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखिए पहला पेयर है मेरा, फर्स्ट फर्स्ट है मेरा ए बी, और ए बी के साथ सी बी,
चेक कीजिए, ए बी पहले मैं एक तरफ लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और एक साइड लिख रहा हूँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैच करेंगे वो पॉइंट मेरा होगा एक परपेंडिकुलर। देखिए ए बी जो लाइन है ये वाली ऊपर, ये देखिए ये ए है और ये बी है, इस ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है बी सी, बिल्कुल ठीक है, सी बी बी सी बात एक ही है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसमें वर्टिकल कौन सी है, सी बी वाली लाइन। चलिए दूसरी लाइन देखिए, डी सी हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर बी सी वही है, सी बी बात वही है, बी सी वर्टिकल, डन। अब देखिए डी सी हॉरिजॉन्टल, डी ई या ई डी वर्टिकल, देखिए ई एफ हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर डी ई वर्टिकल, डन। अब देखिए एच जी हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर एफ जी वर्टिकल, ई एफ हॉरिजॉन्टल, एफ जी ई एफ हॉरिजॉन्टल और एफ जी वर्टिकल, एच जी ये कौन सा लेना है मैंने, एच जी हॉरिजॉन्टल और एफ जी वर्टिकल, ई एफ हॉरिजॉन्टल और डी ई वर्टिकल। अब देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स पेयर मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, सिक्स पेयर्स हो गए, तो हमारे टोटल सिक्स पेयर्स हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ज्योति ने ये बात कही थी, आई कैन सी सिक्स पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर। आप एक बार देख लीजिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए फिगर को, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर नहीं है, बाकी सारी लाइन क्रॉसेस हैं, स्ट्रेट वाली कोई सी नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए आगे, चलिए देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, ये देखिए जो सेवन है थोड़ा मेटा हुआ ना, ये वाला ये सेवन है, ये एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री। अभी बताया था मैंने आपको एक्यूट, पहला ऑप्शन एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट स्ट्रेट, बताइए इसका आंसर आप खुद करेंगे, 0 से 90 89, ऑब्ट्यूस 91 to 180, बल्कि 179 लिखिए, राइट 90 स्ट्रेट 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पैरेलल लाइंस, कितने लेटर्स में पैरेलल लाइंस हैं जो कभी ना मैच करती हूँ। ये देखिए एल में यहाँ पर है, एल में है, ओ में नहीं है, जी में ये वाली, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल है जी में है, आई में भी है, ये खड़ी हुई और लिट्टी भी है, सी में नहीं है, तो थ्री लेटर एल जी आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रे, विच ऑफ द नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉन इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कौन सा ड्रॉ नहीं हो रहा, रे बी डी, बी डी वाली छोटी लाइन, बी और डी वाली छोटी लाइन, बी और डी तो ड्रॉ है, डन। लाइन ए डी, ए से लेकर डी तक ए और डी भी ड्रॉ है, लाइन एंगल बी, एंगल बी भी ड्रॉ है, ये रहा बी, लाइन सेगमेंट सी डी, सी और डी, देखो सी के साथ डी ड्रॉ नहीं किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाइन सेगमेंट सी डी, सेगमेंट माने लाइन का छोटा टुकड़ा सी डी। देखिए द स्मॉलर एंगल, टेंथ क्वेश्चन, द स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शोज एंगल, कह रहा कि जो स्मॉलर एंगल है जो इस क्लॉक में दिखा रखा है वो कौन सा है, क्लॉक में जो हमारा टाइम है बच्चों वो ये है, थोड़ा थोड़ा इस तरह झुका हुआ है, यहाँ पे टिल्टेड है ऐसे, तो स्मॉलर एंगल ये वाला एंगल। देखिए अगर स्ट्रेट होता बच्चों, स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट एंगल होती थी लाइन, बट स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है हल्का सा, तो इस तरह से लगभग टिल्टेड है, तो इस तरह के टिल्टेड वाले एंगल कौन सा बोलेंगे, जब हाथ खुले हों तो ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 11, मोहित ड्रू एन एंगल दैट वाज हाफ द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर, मोहित ड्रू एन एंगल, मोहित ने एक एंगल ड्रॉ किया दैट वाज हाफ द मेजर ऑफ द एंगल, जो इस एंगल का हाफ था, व्हाट टाइप ऑफ एंगल मोहित डिड ड्रू, मोहित ने कौन सा एंगल ड्रू किया। अब देखिए मोहित ने ऑब्ट्यूस ड्रॉ किया, और हमेशा नीचे वाला पढ़ना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 19, मोहित ने ड्रॉ किया 150 डिग्री, सॉरी इसमें 150 है और मोहित ने उसका हाफ ड्रॉ किया, तो मोहित ने ड्रॉ किया 75 डिग्री, और 75 डिग्री कौन सा एंगल है हमारा बताइए, राइट एक्यूट ऑब्ट्यूस, बिल्कुल एक्यूट में आएगा। 12th क्वेश्चन, एट 325 में
3 25 3 यहाँ पे 25 यानी कि 5 पे यहाँ कुछ इस तरह का होता है ना। अगर हम 325 ड्रॉ करें बच्चों, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर ये घड़ी है तो 12 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ और 5 यहाँ पे, तो 325 ये वाला, तो ये एंगल पूछ रहा है। देखिए हाथ बंधे हुए हैं तो कौन सा एंगल होगा, ये एक्यूट, एक्यूट एंगल, तो कौन सा एंगल होगा एक्यूट। अब देखिए 13 क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द गिवन फिगर्स हैव परपेंडिकुलर लाइन, हाउ मैनी ऑफ द गिवन फिगर्स हैव परपेंडिकुलर लाइन, कितनी फिगर ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर लाइन रखती हैं। परपेंडिकुलर मतलब फिर से भाई टी या टी शेप, देखिए 1 यहाँ पर है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, ये ज़्यादा हो गया, ये एक यहाँ पर और इसमें भी नहीं है, तो टू फिगर्स वो भी क्रॉस हो गया ना थोड़ा। विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब एंगल क्यू, अब देखिए ये कुछ इस तरह से है, बस स्ट्रेट है, स्ट्रेट से थोड़ा सा कम है, ऐसे ज़्यादा खुला हुआ है, तो ज़्यादा खुला हुआ तो कौन सा होगा ऑब्ट्यूस, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री, आर मोर देन 90 डिग्री इन द गिवन फिगर, देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90, लेकिन इसका 90 का ये वाला अपोजिट, ये रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स है, अगर ये 90 है तो उसके अपोजिट साइड, पीछे वाला साइड वो 90 से होगा, तो ये 1 2 3 4 एंगल जो उल्टे एंगल होंगे ना वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे, वो 90 से बड़े होंगे, क्योंकि वो 181 से बड़े होंगे, तो जो 181 से बड़ा होगा तो 90 से जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, जो 90 से ज़्यादा हो बट 180 से छोटा हो, बताइए एक्यूट ऑप्टिक्स राइट, जो 90 से ज़्यादा हो, एक्यूट कितना होता है 90 से कम, राइट क्या होता है 90, ऑप्टिक्स क्या होता है जो 90 से बड़ा हो पर 180 से कम हो, तो बी। चलते चलिए 17th क्वेश्चन देखिए, 16th था हमारा, अभी हमारा 17th क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में विच लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी, जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर पे नहीं है, देखिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जो अगर हम बात करें आई जे स्ट्रेट है, और अगर हम बात करें जी एच की, वो भी बिल्कुल सीधी है, और अगर हम सी डी की बात करें वो भी बिल्कुल सीधी है, लेकिन ई और अगर हम बात करें ई और एफ लाइन की, ये थोड़ी तिरछी है, वो ऐसे आ रही है कुछ कुछ अंदर को आ रही है ऐसे, बाकी सारी बाहर को निकल रही है, लेकिन वो थोड़ी अंदर से को आ रही है, ये ई और एफ वाली लाइन, ये जो ये ई और एफ से होते हुए यहाँ आ रही है, ये जो आ रही है थोड़ी तिरछी लाइन ये वाली ऐसे, देखो स्ट्रेट यहाँ तिरछी लाइन आई है, तो गौर से फोटो देना, फोटो देख के डिफरेंस पता चलेगा, डन। बाकी सारी आई जे जी एच और सी डी, ये सारी की सारी बिल्कुल पैरेलल लाइन है सिर्फ, लेकिन जो ई एफ लाइन है वो तिरछी सी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई एफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा जो 90 से बड़ा हो, ये तो खुद राइट है, ये एक्यूट है, ये अंदर है, ये भी एक्यूट है, ये डी ऑब्ट्यूस, तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मेजर्स ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर, 20 डिग्री बिल्कुल ये इसके बिल्कुल नीचे मिला हुआ, 110 डिग्री ऑब्ट्यूस, 130 ऑब्ट्यूस खुलेगा हाथ, 45 डिग्री 90 का हाफ, देखिए 90 अगर यहाँ होगा तो उसका हाफ 45 डिग्री, तो बी इज द आंसर। 20 देखिए, देर आर 6 एंगल गिवन बिलो, हाउ मैनी ऑफ देम आर लेस देन राइट एंगल, प्रोट्रैक्टर रख के देखिए, ये तो राइट एंगल से ज़्यादा साफ ही दिख रहा है ऑब्ट्यूस है, ये भी राइट से ज़्यादा, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये राइट से कम है एक्यूट, ये राइट से कम है एक्यूट, ये राइट एंगल है, तो ये तो राइट ही है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये बचा, इसको आप प्रोट्रैक्टर रख के देखते हैं ना, अगर प्रोट्रैक्टर रखने के बाद अगर ये मेरे हिसाब से 90 से कम ही है, ये वाला 90 से कम आएगा तो एक्यूट आ जाएगा, अगर एक्यूट आ गया तो फिर 3 हो जाएंगे, अगर ये ऑप्टिक्स आ गया तो फिर 2 हो जाएंगे। उसने पूछा ना 90 से कम, हाउ मेनी ऑफ देम आर लेस देन राइट एंगल, जो राइट एंगल से कम है। अचीवर सेक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर में कितने राइट एंगल हैं, देखिए काउंट करते हैं, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल
और ये फोर राइट एंगल और ये फाइव राइट एंगल, फाइव राइट एंगल तो यही हो गए बस, ये तो देखो थोड़ा तिरछा है तो फाइव राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, और कोई बात नहीं देख लीजिए, आपको कहाँ लग रहा है और यहाँ ये बाहर हो जाएगा थोड़ा बच्चों, थोड़ा देखिए ये थोड़ा तिरछी लगे ना इसलिए आपको ये तिरछी है, लेकिन ये हाँ वो उतनी वो भी उतनी तिरछी है, आप प्रोट्रैक्टर के काउंट करके देखना बिल्कुल सेट में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर, ये फिगर दी गई है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। पहला है, पहला ऑप्शन देखिए ए द 22, देखिए 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, द फिगर हैज थ्री एंगल, फिगर के अंदर थ्री एंगल है विच आर ग्रेटर देन या राइट एंगल, कह रहा फिगर में थ्री एंगल है जिसमें से जो सारे के सारे राइट एंगल से बड़े हैं। देखिए ये वन राइट एंगल से बड़ा है, ये टू राइट एंगल से बड़ा है, ये थ्री राइट एंगल से बड़ा है, ये फोर राइट एंगल से बड़ा है, विच आर ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़े तो बहुत सारे हैं, द फिगर हैज फोर राइट एंगल, फिगर के अंदर फोर राइट एंगल है, देखिए राइट एंगल मुझे कहीं दिख रहा, द फिगर हैज फोर एंगल्स विच आर लेस देन ए राइट एंगल, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए सॉरी हाँ द फिगर सॉरी सी पढ़ते हैं, देखिए अब फोर्थ सी में क्या कह रहा था, फिगर हैज मिटा दूं मतलब इनको कलर्स को, देखिए सी में कह रहा था फिगर हैज फोर एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल, कह रहा फिगर में चार एंगल ऐसे जो राइट एंगल से भी कम हो, तो हमें इनकी एक्यूट ढूंढनी है, वन टू यहाँ पे थ्री और ये हमारा फोर, फोर एंगल ऐसे जो राइट एंगल से कम है, ये ट्रू है हमारा सी, डन। देखिए 23, हाउ मेनी ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर आर लेस देन 90 डिग्री, कौन से एंगल 90 डिग्री से कम है, देखिए तो स्ट्रेट है तो 90 से हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, जहाँ पे स्ट्रेट हो जाए जहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाए वो तो 90 हो जाएगा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, देखिए एक तो यहाँ ये छोटे वाला वन, एक यहाँ छोटे वाला टू, यहाँ ये थ्री, यहाँ ये फोर, ये वाला फाइव, ये वाला सिक्स, ये वाला सेवन, ये वाला एट, ये वाला नाइन, नाइन यहाँ पे देखिए टेन, टेन और ये थोड़ा तिरछा है देखिए यहाँ इलेवन और ये ट्वेल्व और ये अंदर थर्टीन, थर्टीन एंगल है बच्चों, थर्टीन 23 का थर्टीन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एंगल बचा है, मैं आपको थोड़ा उसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखिए मैंने कहाँ कहाँ एंगल बनाए, मैंने ये वाला एंगल नहीं बनाया क्योंकि ये जो एंगल है बच्चों सॉरी इसमें ना एक तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो एंगल है देखिए ये तो एक्यूट ही है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये भी एक्यूट है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, लेकिन ये जो एंगल है ना ये वाला ये एक्यूट है, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा लग रहा है, ये ऑप्टियस लग रहा है, तो ये ऑप्टियस है, ये वाला ये साइड कौन सा है ऑप्टियस, तो इसलिए ये वाला एंगल नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 13, ठीक है। कोशिश करना बनाने की फिर पूछना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 24, देर आर डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर, पैरेलल लाइंस क्या होती है जो कभी भी किसी पॉइंट में मिलेंगी, तो चलिए अगर हम देखें बच्चों पहले देखें वाई जेड वाली लाइन, देख लीजिए वाई जेड वाली लाइन, आई थिंक आपको दिख गई वाई जेड वाली लाइन, पहले सारे पॉइंट ढूंढ लीजिए, सारे बुक में सारे पॉइंट ढूंढ लिया, वाई जेड दिख गया, वाई जेड के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है डी ई, वाई जेड के पैरेलल है डी ई, डन। अब उसके बाद हम आते हैं बी सी, बी सी के पैरेलल है एल जेड, बिल्कुल इक्वल इक्वल है, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स के पैरेलल है ई एफ, ई एफ क्यों, क्योंकि ये बढ़ जाएगी, देखो ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी ना, लेकिन ऐसे बढ़ जाएगी और ये ऐसे नीचे आ जाएगी, तो लेकिन फिर भी टकराएगी नहीं, है ना। उसके बाद ए डी के पैरेलल है जी एच, है ना, बी सी के पैरेलल हो गई ये
और डब्ल्यू एक्स से पैरेलल हो गई ए ई, इस ए डी के क्रॉस हो गई जी एच, तो चार पैरेलल जुड़े हो गए चार। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्वेंटी फाइव देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द फिगर आउटसाइड द फिगर शोन बिलो, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द फिगर शोन बिलो। आउटसाइड में देखिए वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन एंड ये एट, एट फिगर है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। राइट एंगल मतलब जो परपेंडिकुलर हो, इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मतलब एक दो दिन में आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत आसान चैप्टर है, देख ही लिया होगा आपने। अगर कोई क्वेश्चन का डाउट रहता है तो उसकी वीडियो फिर से देखिए, फिर पूछिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।